अरे अब मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। ऐसा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, इस गणेश भगवान जी को कलर पेंट करने वाले हैं। पहले तो दोस्तों इसी प्रकार से व्हाइट कलर से कवर कर देंगे। और दोस्तों, इस बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन पता नहीं है तो दोस्तों टाइटल पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों सब तरफ पेंट कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आप जो ये जो देख रहे हैं, जितने भी कलर से ये यूज़ कर रहे हैं फेब्रिक कलर। और अभी हम शरीर को पेंट करने के लिए इस कलर को मिक्स करके बनाए हैं। पहले तो हमने थोड़ा सा ऑरेंज ले लेंगे और थोड़ा सा वाइट कलर, मतलब थोड़ा ज़्यादा करके वाइट मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार का कलर बन जाएगा। तो इसी को हम सब तरफ पेंट कर देते हैं, जहाँ पर शरीर दिख रहा है, जितने भी ज्वेलरी हो उसी को छोड़कर सब तरफ पेंट कर देंगे। और एक बात दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों शरीर के सब तरफ पेंट कर देने के बाद अभी धोती के ऊपर पेंट कर रहे हैं ब्लू कलर से। कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर से पेंट कर देंगे। और जो बीच में है शावर, उसी को ऊपर हम रेड कलर को पेंट कर देंगे। और कान पे और हथेली पे थोड़ा बहुत वाइट कलर से रेड कलर को मिला करके थोड़ा बहुत लाइट पिंक बना लेंगे और उसी को पेंट कर देंगे। और अभी गोल्ड कलर को पेंट कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पास तो गोल्ड कलर नहीं है, इसलिए ब्राउन और येलो कलर को मिला करके पेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से सारे ज्वेलरीज को पेंट कर देंगे। मुकुट की जो बीच में है उसी पे रेड कलर को पेंट कर देंगे, ताकि और भी पीछे की कवर और भी अच्छे से देख सके, मतलब अच्छा देख सके। तो इसलिए वहाँ पे रेड कलर पेंट कर देंगे। और जितने भी स्टोन वगैरह है वहाँ पे भी रेड कलर को थोड़ा बहुत कलर कर देंगे। और नाखून में भी पेंट कर देंगे रेड कलर से। रेड कलर पेंट कर रहे तो माथे की त्रिशूल भी बना लेंगे, और कुछ इस प्रकार से माथे की डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत कर लेंगे। और वहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर को कर देंगे। और लास्ट में आइज़ को बना लेंगे। पहले तो मुशक राज को पेंट कर देते हैं ब्लैक कलर से। कुछ इस प्रकार से दोस्तों कट हो गया वीडियो।
दिखा नहीं पाए, सब तरफ ब्लैक कलर ही पेंट कर दिए हैं अभी। और इसी प्रकार से गणेश भगवान जी की आँख को बना देंगे, छोटा सा ब्रश लेंगे और गणेश भगवान जी के आँखों को बना देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हो फाइनल लुक।